हेलो एवरीवन मैं बलबीर कश्यप श्यप कम बिहार से कैथल हरियाणा एक नई जानकारी में आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडो मीडिया वन वन सेवन नाइन पर जानकारी आप देख पा रहे हैं ये है अपार से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है ये कई बार डाउट होता कि कौन किसकी ए लिखेगा अपार लिखेगा तो उसी को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई गई है तो चलिए देखते हैं फ्रॉम डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा पंचकूला के माध्यम से टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स इन द स्टेट ऑल द डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स इन द स्टेट को ये लेटर जारी किया गया था एक जुलाई 2015 को सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग ऑफ अपार्स ऑफ टीचिंग कैटेगरी मतलब तो टीचिंग कैटेगरी की अपार्स की रिपोर्टिंग किस प्रकार की जाएगी उसके पर यह लेटर है Reference on the subject cited above, some queries have been received from various quarters regarding APARs and the clarification in this regard as under. That in case of independent primary school, where the post of head teacher is not sanctioned or the same is vacant, the senior most teacher in charge will write the APARO primary teachers, PRTs, JB teachers of the school. However, द सीनियर मोस्ट टीचर इन चार्ज वुड सबमिट हिज ओन अपार फॉर रिपोर्टिंग टू द नेबरहुड एलिमेंट्री स्कूल हेड टीचर इन केस वेर द हेड टीचर इज पोस्टेड ही वुड राइट द अपार ऑफ प्राइमरी टीचर्स पी आर टी बी जे बी डी टीचर्स एंड वुड सबमिट हिज अपार फॉर रिपोर्टिंग टू द नेबरहुड एलिमेंट्री स्कूल हैड मास्टर पॉइंट नंबर एक पॉइंट नंबर दो Similarly in case of independent elementary school high school, if the post of elementary school head teacher, headmaster is vacant, then the DDO, senior most teacher of the school will write the APAR of PGT, TGT, C and teachers of the school and would submit his APAR for reporting to the headmaster, principal of the neighborhood school. In case द एलिमेंटरी स्कूल हाई स्कूल इज सिचुएटेड इन द कैंपस ऑफ हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इन द सेम विलेज इन दैट केस द अपार ऑफ टी जी टी सी एंड वी टीचर्स ऑफ द स्कूल सेल बी रिटन बाई हैड मास्टर हाई स्कूल पॉइंट नंबर दो ये क्लियर हुआ है पॉइंट नंबर तीन दैट द अपार्स ऑफ द पी टी आई डी पी विल भी रिपोर्टेड बाई देर रिस्पेक्टेड हैड ऑफ इंस्टीट्यूशन स्कूल मास्टर मास्टर High school and principal in the second school as the case may be. Point number four: In case the post of BO, BW is vacant and the additional charge of the post has been given to any officer, then that officer holding the additional charge of any particular post will act as reporting, reviewing, accepting authority as the case may be. Point number three, four. Point number five: In case the post of primary school head teacher, elementary school headmaster in the school.

तो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाता है रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर पीआरटी टीजीटी एंड पीजीटी पहला है कैटेगरी फिर है रिपोर्टिंग अथॉरिटी रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी प्राइमरी टीचर की जो ए है प्राइमरी जो अपार है वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसकी हेड टीचर या उसका इंचार्ज उसके बाद वो रिव्यू अथॉरिटी कौन करेगा उसकी एलिमेंट्री हेड मास्टर यानी मिडिल हेड और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी स्कूल हेड हड मास्टर ऑफ द हाई स्कूल या प्रिंसिपल ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल टी जी टी एंड सी एंड वी के लिए है एलिमेंट्री हेड मास्टर जो मिडिल हेड है वो वहाँ पे लिखेगा और स्कूल हेड या हेड मास्टर ऑफ हाई स्कूल रिव्यूइंग अफसर रहेगा उसका और प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है आर ओ रहेगा और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो है बी डब्ल्यू ई ओ और ब्लॉक एजुकेशन अफसर ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन अफसर या ब्लॉक एजुकेशन अफसर पी जी टी के इसमें क्या रहेगा पी जी टी के अपार जो है उसकी जो आयु है यानी कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी है या इनिशिएटिंग अथॉरिटी है वो है प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हेडमास्टर मास्टर हाई स्कूल और उसके बाद जो है रिव्यूइंग अथॉरिटी उसकी करेगा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इसके बाद जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाएगी आगे आ जाता है प्राइमरी हेड टीचर और इंचार्ज की अभी हमने कैटेगरी देखी थी ये जिसमें प्राइमरी टीचर टीजीटी जी और पीजीटी का की बात की गई है अब हम देखते हैं हेड के बारे में क्या है इंस्ट्रक्शन प्राइमरी हेड टीचर या इंचार्ज जो है उसकी जो ए है अपार है वो आर जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसकी वो है एलिमेंट्री हेड मास्टर और जो रिव्यूइंग अथॉरिटी है उसकी स्कूल हेड मास्टर जो है हाई स्कूल का हो सकता है और प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है इसके बाद जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है उसकी बी ई डब्ल्यू ओ और ब्लॉक एजुकेशन कोई भी एलिमेंट्री हेड मास्टर्स के लिए स्कूल हैड मास्टर जो है हाई स्कूल हो सकता है प्रिंसिपल हो सकता है उसका रिपोर्टिंग अथॉरिटी रहेगी और रिव्यूइंग अथॉरिटी उसकी ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर रहेगा और इसी तरह से एक्सेप्टिंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर रहेंगे इसी प्रकार हाई स्कूल हैड मास्टर के लिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो है उसका रिपोर्टिंग अथॉरिटी है रिव्यूइंग अथॉरिटी उसकी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है और इसी तरह से एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसकी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहेंगे अब आ जाता है प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की भी अपार के जो आर है यानी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है या इनिशिएटिंग अथॉरिटी है ऑफिसर है, है वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इसके साथ साथ रिव्यूइंग अथॉरिटी है डिप्टी जो है डी होते हैं हमारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और इसी प्रकार एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो जाएगी तो ये हेड के लिए गाइडलाइन थी अब आ जाता है प्लानिंग जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल है जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं या ऑफिशियल है उनका कैसे रहेगा कैटेगरी है ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर यानी बी की जो अपार है वो सबसे पहले रिपोर्टिंग होगी उसके डिप्टी डी के द्वारा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा रिव्यूंग अथॉरिटी उसकी रहेगी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी रहेगी उसकी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन तो ये फर्स्ट कैटेगरी हो जाती है सेकंड कैटेगरी इसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का भी सेम ही है डिप्टी जो डीओ है वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है रिविंग अथॉरिटी डीईओ ई ओ और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी डायरेक्टर एनडी एजुकेशन रहेंगे नेक्स्ट जो आती है कैटेगरी इसमें डिप्टी डी की यानी डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर होते हैं अब उसके अंदर सबसे पहले उसकी जो आ है वो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर लिखेंगे डी लिखेंगे और रिव्यूइंग अथॉरिटी है उसकी एडिशनल है ज्वाइंट डायरेक्टर एडमिट जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के रहेंगे ऊपर ऊपर लेवल पे यानी डायरेक्ट्रेट लेवल पे इसी प्रकार के जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वहीं पे डायरेक्टर जनरल जो डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन करेंगे वो इसके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी रहेंगी अब आ जाता है डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर जो कि डी ऑफिस में होते हैं तो उनका ए का क्या क्राइटेरिया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उनके आ रहे रहेंगे रिजिटिंग अथॉरिटी रहेंगे यानी कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी और उसके बाद रिव्यूइंग अथॉरिटी उसकी भी सेम है लेकिन वो सेकेंडरी एजुकेशन के एडिशनल या ज्वाइंट डायरेक्टर के पास चली जाएगी जो कि सेकेंडरी एजुकेशन में जाएगी और इसी तरह से एक्सेप्टिंग अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के पास जाएगी वो एक्सेप्टिंग के लिए अब हो जाता है डी डब्ल्यू ओ के लिए तो सबसे पहले जो कैटेगरी है डी डब्ल्यू ओ की डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर की उसके जो आ रे हैं तो सबसे पहले जो उसकी अपार लिखी जाएगी वो डिप्टी कमिश्नर लिखेंगे देन रिव्यूइंग अथॉरिटी है उसकी है डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन अगर एलिमेंट्री केस है तो एलिमेंट्री एजुकेशन और जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ये रहेंगे अब आ जाता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की अपार के बारे में तो इस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के अपार के लिए भी आर यानी रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो डिप्टी कमिश्नर साबान पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के होते हैं और उसी प्रकार रिव्यूंग अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर स्कैंड एजुकेशन करेंगे और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ये है ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स के लिए अब आ जाती है स्ट्रक्चर जो है डाइट का है रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ डाइट ऑफिशियल तो सबसे पहले कैटेगरी इसमें डाइट लेक्चरर्स की है वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी इसमें सीनियर लेक्चर कंसर्न ब्रांच रिव्यूइंग अथॉरिटी उसकी प्रिंसिपल डाइट और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उनके डायरेक्टर एस सी आर टी गुरुग्राम अब आ जाते हैं डाइट के जो सीनियर लेक्चरर होते हैं उनका केस उनके केस में जो आ रहे हैं रिपोर्टिंग अथॉरिटी वो प्रिंसिपल डाइट है रिव्यूइंग अथॉरिटी डायरेक्टर एस सी आर टी गुरुग्राम आ रहेंगे और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के पास उनके पार चली जाएगी इसी प्रकार डाइट प्रिंसिपल की जो ए सी आर है अपार है वो डायरेक्टर एसीआरटी सी आर टी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उनकी और डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन रिव्यूंग अथॉरिटी है और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है तो ये क्राइटेरिया था जो कि डाइट इसके बाद ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल और इसके बाद स्कूल हेड और इसके बाद जो पीआरटी हमारे टीजीटी पीजीटी हैं ये टीचिंग कैटेगरी की सारी बातें थी तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी तो इस वीडियो को भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जो टीचर्स को ये पता चले कि उनकी अपार किसके द्वारा लिखी जानी है सभी हेड को पता चले कि वो कहाँ से कैसे प्रोसीजर है अपार का हालांकि हम सब जानते हैं और हाल साल ये जारी है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए और ये लेटर आपके पास अवेलेबल भी होना चाहिए आपकी फ़ाइल के अंदर इसके बाद आ जाता है ये हेड का हमने जिक्र किया फिर हमने जिक्र किया ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल का और फिर हमने जो है डाइट ऑफिशियल का किया जिक्र तो ये एक जानकारी थी आपके लिए आप वीडियो देखने के लिए साझा करने के लिए आप सभी का आभार थैंक यू वेरी मच